दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। जब इस साल की शुरुआत में अक्षय कुमार से लेकर आमिर खान जैसे बॉलीवुड के दिग्गज एक अदद हिट के लिए तरस गए, ये इकलौता ऐसा यंग स्टार था जिसने भूल भुलैया के जरिए पहली बॉक्स ऑफिस हिट दी बॉलीवुड को इस साल की। दोस्तों, कार्तिक आर्यन कई मायनों में बॉलीवुड के बाकी सो कॉल्ड हीरो से अलग हैं। वो किसी बड़े फिल्मी परिवार से नहीं आते, सबसे इंपॉर्टेंट कम बजट वाली फिल्मों से इन्होंने अपनी पहचान बनाई। और आज के दौर में जो सबसे जरूरी होता है बॉलीवुड में, करण जौहर जैसे बड़े फिल्म मेकर से खटपट होने के बाद भी अंगद के पैर की तरह बॉलीवुड में टिके रहे। लेकिन अब कार्तिक आर्यन ने जो एग्जाम्पल सेट किया है ना, वो शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार भी नहीं कर पाए। क्या आप जानते हैं, एक पान मसाले के एड में अजय देवगन, शाहरुख खान और अक्षय कुमार की तिकड़ी जो आपने देखी थी, इस तिकड़ी का पहला ऑफर गया था कार्तिक आर्यन के पास। जी, खबर के मुताबिक पान मसाले वाले इस एड के लिए बकायदा 15 करोड़ की भारी भरकम रकम का भी ऑफर दिया गया था कार्तिक आर्यन को अक्षय कुमार की जगह। पान मसाला वाली कंपनी चाहती थी कि शाहरुख और अजय देवगन को तो पहले ही वो अपने ब्रांड के साथ जोड़ चुकी है, अब कोई नया यंग स्टार लिया जाए, तो कार्तिक आर्यन उस जगह पर बिल्कुल फिट बैठ रहे थे क्योंकि उस वक्त भूल भुलैया नई नई हिट हुई थी। लेकिन 15 करोड़ की भारी भरकम फीस और अजय देवगन और शाहरुख खान जैसे इतने बड़े सुपरस्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर करने का ऑफर कार्तिक आर्यन ने ठुकरा दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि कार्तिक को यूथ आइकॉन के नाते अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है और वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिससे उनकी इमेज खराब हो। दोस्तों, कितनी बड़ी बात है ये। सोचिए, करोड़ों का ऑफर जिसका मोह बॉलीवुड के ये दिग्गज नहीं छोड़ पाए, वो इस यंग एक्टर ने अपनी जिम्मेदारियों के नाते छोड़ दिया और बाद में फिर ये ऑफर गया अक्षय कुमार के पास। सिर्फ इसीलिए कार्तिक आर्यन ने ऑफर छोड़ दिया क्योंकि उनके फैंस को ये अच्छा नहीं लगेगा, फैंस के बीच गलत संदेश जाएगा और वो नहीं चाहते थे कि एक ऐसे ब्रांड के साथ वो एसोसिएट हो जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें किसी भी इंसान को दे सकता है। ये वही एड है जिसे करने के बाद अक्षय कुमार की इतनी छीछा लेदर हुई थी कि उन्होंने बाद में इसके लिए माफी मांगी थी, अपने आप को इससे अलग किया था और कहा था कि ऐसा दोबारा वो कभी नहीं करेंगे। दोस्तों, ऐसी ही एक खबर पुष्पा से हिंदी पट्टी में पैन इंडिया स्टार बने अल्लू अर्जुन को लेकर भी आई थी, जब उन्होंने भी 10 करोड़ के एक एड को ठुकरा दिया था क्योंकि वो ऑफर पान मसाले का था। दोस्तों, अपने दौर में अक्षय कुमार जैसे एक्टर तो सिगरेट तक का ऐड कर चुके हैं, लेकिन एक ये यंग ब्लड है जो करोड़ों का ऑफर ठुकरा देता है क्योंकि उसके फैंस को गलत मैसेज जाएगा। कार्तिक आर्यन के इस फैसले को लेकर हर हाल उनकी तारीफ होनी चाहिए क्योंकि ये फैसला उन्होंने तब लिया जब वो अपने स्टारडम की पीक में पहुंचे भी नहीं। अभी उन्होंने बहुत अच्छा काम करना है, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में उनकी आनी है, उसके बावजूद भी ना केवल उन्होंने एक बड़ा ऑफर ठुकराया बल्कि एक बड़ा संदेश भी दिया। मुझे लगता है कि जितनी पॉपुलैरिटी वो इस एड को करके कमाते ना, उससे ज्यादा उन्होंने इस एड का ऑफर ठुकरा के कमा ली है। यही होता है असली स्टारडम, जो एक इंसान अपने कैरेक्टर से कमाता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन भी आप कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए हर वीडियो में दिए गए थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।